हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट। और आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू रिडीम द शेर खान ब्रोकरेज कैश ऑफ गूगल पे। सो चलिए हम जानते हैं कि कैसे आप इसे रिडीम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सिंपली सबसे पहले आपको तो अपना गूगल पे में जाना होता है। गूगल पे आपको अपना ओपन कर लेना है और गूगल पे में आपको जो ब्रोकरेज कैश कूपन मिला हुआ है, सबसे पहले आपको उस कूपन कोड को कॉपी कर लेना है। ठीक है, उस कूपन कोड को कॉपी कर लेने के बाद आपकी ब्रोकरेज कैश, जैसे कि आप देख सकते हैं, लाइक मुझे अगर 5 पैसा का यहाँ मिला होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कूपन कोड है, इसे जस्ट आपको इसी टाइप का शेर खान का भी होगा। अगर उसका ब्रोकरेज कैश होगा तो ब्रोकरेज कैश, या फिर अगर कैशबैक होगा तो उसका कूपन जस्ट आपको कॉपी कर लेना है। और उसके बाद आपको डीमैट अकाउंट खोलना होगा फ्रॉम द क्रोम। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ रिडीम नाउ, इस वाले सेक्शन में भी अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो है शेर खान अकाउंट खुल जाएगा और उसके बाद आप रिडीम कर सकते हैं। तो हम चलिए स्टेप भी जानेंगे, और स्टेप जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर शेर खान है क्या, जो कैशबैक या फिर ब्रोकरेज कैश मिलने वाला है उसका यूज क्या है, क्या आप उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टेक रिलेटेड एंड इन्फॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं सबसे पहले कि शेर खान है क्या। तो मैं बता दूं कि शेर खान एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है। शेर खान एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है जिसके थ्रू से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द शेयर मार्केट। सो इसके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी लगते हैं, जो कि आपको एनुअली 400+18% GST लगता है। दैट मीन्स कि 1 ईयर में आपको 400+18% GST चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इनके ब्रोकरेज चार्जेस जो है आपको 0.5% पे करने पड़ते हैं। बता देता हूँ आपको कि ब्रोकरेज चार्जेस होता क्या है। तो ब्रोकरेज चार्जेस वो चार्जेस हैं जो कि ब्रोकर खुद रखता है। ब्रोकर कौन है? शेर खान। ठीक है, आप हैं एक इन्वेस्टर और कंपनी जो है आपको शेयर देती है, तो इसके बीच में एक बंदा आता है, एक पर्सन होता है जिसे हम ब्रोकर कहते हैं। तो शेर खान विल बी ए ब्रोकर, और ये ब्रोकर जो है अपना चार्ज आपसे लेता है। वहीं अगर आपको जो कूपन कोड जो मिला है, अगर आप उसे रिडीम करते हैं तो जितना आपको अमाउंट दिया होगा, लाइक 2000 या फिर 10,000 या फिर 500, जो भी आपको दिया होगा, उस अमाउंट तक आपको ब्रोकरेज चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा अगर आप शेर खान में डीमैट अकाउंट खोलते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल पे प्रोमो कोड। ठीक है, ये था ब्रोकरेज कैश के बारे में आपको बताया। दैट मीन्स कि ब्रोकरेज कैश को आप अपने बैंक अकाउंट में नहीं ट्रांसफर कर सकते, पहले आप ये क्लियर हो जाइए। और अगर आपको शेर खान की तरफ से अगर आपको मिला है कैश बैक, ठीक है, अगर कैशबैक मिला है, दैट मीन्स कि वहाँ लिखा होगा आपको कैशबैक 500 या फिर 1000 का, तो आप उसे यूज कर सकते हैं, बट उसे डायरेक्ट आप अपने बैंक अकाउंट में नहीं ट्रांसफर कर सकते। आप उस पैसे से कुछ शेयर्स को बाय करेंगे और फिर उसी शेयर को आप जब सेल करेंगे उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर आपको शेर खान में अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, और उन आधार कार्ड और पैन कार्ड में आपका फ़ोन नंबर लिंक होना कंपलसरी है। ओके फ्रेंड्स, सो फोन नंबर लिंक होगा तो बहुत ही इजीली इक्वाइसी हो पाएगा। और इसके बाद क्या होगा कि आपके कुछ सिग्नेचर से फाइंग दैट कि आप एक जेन्युइन पर्सन हैं और आप ही इस अकाउंट को ओपन करके यूज करने वाले हैं। तो वो जैसे ही वेरीफाई होता है तो उसके बाद आपका जो है एक शेर खान में जीरो चार्जेस में आपका एक डीमैट अकाउंट खुल जाता है, और जिसके बाद कि आपको आपका ब्रोकरेज कैशबैक मिल जाता है। बट अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, तो ही आप ब्रोकरेज को, शेर खान के ब्रोकरेज को रिडीम करें और शेर खान में एक डीमैट अकाउंट खोलें, क्योंकि इनके चार्जेस फ्रेंड्स बहुत हाई होते हैं, क्योंकि एक फुल सर्विस ब्रोकर डीमैट अकाउंट है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे कि क्या आपको रिडीम करना चाहिए या नहीं द शेर खान ब्रोकरेज कैश। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको सच में रिडीम करना है तो सिंपली आपको जस्ट गूगल पे में जाना है, और गूगल पे में जाने के बाद आपको जो भी, आपको मैं दिखा दूँ एक सेकंड फ्रेंड्स, आपको जो भी इस टाइप का, जैसे कि ये है 5 पैसा का 10,000 तक का ब्रोकरेज कैश, ठीक है, अगर आपको उस टाइप को जो भी मिलता है तो जस्ट आपको रिडीम नाउ पर क्लिक करना है, और रिडीम नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो कूपन कोड है इसे भी आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कोड को कॉपी करने के बाद जस्ट आपको रिडीम नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या है कि ये स्टेप्स फॉलो करके
सेम टू सेम जैसे आप अनदर डीमैट अकाउंट खोलते हैं वैसे ही आपका शेयर खान में भी एक डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग होगी क्योंकि आप एक इन्वेस्टर नहीं है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।